हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम है द ह्यूमन सेंटीपेड। ये मूवी एक सच्चे घटना पर आधारित है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम डॉक्टर हेडर को देखते हैं जो अपने गाड़ी में बैठकर पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर में तीन डॉग्स को एक के पीछे एक एक्सपेरिमेंट करके जोड़ा गया था। तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर ट्रक से उतर के झरेओं के पीछे हल्का होने जाता है। इसके बाद डॉक्टर गाड़ी से उतरकर एक बंदूक निकलता है और उस ड्राइवर को शूट करके बेहोश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेनी और लिंडसे को देखते हैं। ये दोनों न्यूयॉर्क से थी जो जर्मनी में टूर के लिए आई थी। अब इन दोनों को पार्टी के लिए एक क्लब में जाना था। वैसे तो ये दोनों अक्सर ट्रैवल किया करती थी पर इन्हें जर्मनी के बारे में कुछ खास नहीं पता था। फिर ये दोनों अपने क्रेडिट कार्ड को लेती है और एक कार को भाड़े पर लेकर पार्टी के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इन्हें लोकेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होने के कारण ये रास्ता भूल जाते हैं और एक जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो दूसरे रास्ते पर आ गए हैं, वो दोनों गाड़ी को यू टर्न लेते हैं और तभी उनके गाड़ी का पंचर हो जाता है, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उन दोनों में से किसी को गाड़ी के टायर बदलना भी नहीं आता था, इसलिए वो लोग मैकेनिक को कॉल करने लगते हैं। लेकिन जंगल में होने के कारण मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था, जिससे वो दोनों डिसाइड करते हैं उन्हें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए। तभी उस रास्ते से एक कार गुजरता है जिसे देखकर वो दोनों हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। उस कार में एक ओल्ड आदमी था जो उन्हें जंगल में फंसा हुआ देखकर अजीब तरह का बातें करने लगता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और हेल्प लेने के लिए मना कर देते हैं। तभी वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों कार से निकल कर आसपास किसी घर को ढूंढने लगते हैं। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और ज़ोरों से बारिश भी होने लग रहा था। तभी उन्हें एक घर दिखता है और वो दोनों घर की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं। फिर दोनों घर पे पहुंचकर दरवाजे को नॉक करते हैं तो उस घर से वही डॉक्टर निकलता है जो उस ट्रक ड्राइवर को बेहोश किया था। वो दोनों उस डॉक्टर को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और एक मैकेनिक को कॉल करके बुलाने की बात करते हैं। डॉक्टर पहले उन्हें तो अजीब तरह से देखता है, फिर अंदर बुला लेता है। डॉक्टर उन्हें पूछता है कि वो दोनों टूरिस्ट है क्या, तो जेनी कहती है कि वो दोनों न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले हैं जो यहाँ टूर करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर को मैकेनिक के पास कॉल करने को कहती है, पर डॉक्टर उनके बातों को इग्नोर कर देता है और उनको एक सवाल पूछता है कि तुम दोनों क्या रिलेटिव्स हो। इस पे वो दोनों बताते हैं कि नहीं, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद डॉक्टर उन्हें ड्रिंक के बारे में पूछता है तो वो दोनों नॉर्मल पानी की बात कहते हैं और डॉक्टर पानी लेने के लिए किचन में चला जाता है। किचन में जाके पहले तो वो किसी को कॉल करने के नाटक करता है, जिससे उन्हें लगता है वो मैकेनिक को कॉल कर रहा है। तभी हेटर पानी में ड्रग मिला देता है और उन दोनों को पीने के लिए दे देता है। फिर लिन से उस पानी को पी लेती है, लेकिन जेनिस से पानी का गिलास गिर जाता है, जिसे देख कर डॉक्टर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और पानी को साफ करने के लिए टावल लेने बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में डॉक्टर एक इंजेक्शन को ट्रक से भरता है। दूसरी तरफ लिन से जेनी को कहती है, मुझे अजीब तरह की थकान महसूस हो रहा है। अब जेनी लिन से की ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डॉक्टर को फिर से कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन डॉक्टर इस बार भी उनके बातों को इग्नोर कर देता है। तभी डॉक्टर वो इंजेक्शन जेनी के गर्दन पर ज़बरदस्ती लगा देता है, जिससे जेनी मौके पर ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हीटर को हम ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं। तभी जेनी और लिंडसे को होश आता है, जो खुद को डॉक्टर के लैब में पाती है, जहां डॉक्टर ने उन्हें हाथ और पैर को बेड से बांध दिया होता है। तभी उन्हें वहां एक और आदमी दिखता है जो वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे डॉक्टर ने शूट करके बेहोश किया था। अब वहां डॉक्टर आ जाता है जो उस ट्रक ड्राइवर को कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। ये कहकर डॉक्टर एक पॉइजन से भरा इंजेक्शन को उसके बॉडी पर इंजेक्ट कर देता है और जिससे वो ट्रक ड्राइवर तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर डॉक्टर उस डेड बॉडी को अपने गार्डन पर ले जाके दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एक जापानीज आदमी को बेहोश करके ले आता है और उसे लैब में ले जाकर बेड के साथ बांध देकर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हेटर डॉक्टर के ड्रेस पहनकर उनके सामने जाता है और उनको अपने बारे में बताता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जेंट है। साथ ही में वो उन्हें ये भी बताता है कि वो उन तीनों के साथ आखिर करने वाला क्या है, जिसमें वो कहता है पहले वो उनके लिगामेंट को तोड़ देगा ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़ा होने ना पाए। इसके बाद पहले इंसान के बैक साइड को दूसरे इंसान के मुंह के साथ जोड़ देगा और दूसरे इंसान के बैक साइड को तीसरे इंसान के साथ जॉइंट करके उन्हें आपस में जोड़ देगा,
जिससे पहले आदमी जब खाना खाए तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के बॉडी से होता हुआ तीसरे आदमी के मुंह पर चला जाए, जैसे कि हमें डायग्राम में समझाया गया है। अब ये सुनकर तीनों काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर उनके साथ बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। खैर, हेटर सबसे पहले जापानीज आदमी को चुनता है और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है। यह देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसका हेल्प करने वाला नहीं था। अब हेटर लिनसे के पास जाकर उसे भी इंजेक्शन लगा देता है। तभी जेनी अपने दांतों की मदद से हथकड़ियों को खोल लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में एक नीडल लगी होती है जिसके कारण उसके हाथ की चमड़ी कट जाती है और वहाँ से काफ़ी ब्लीडिंग होने लगता है। पर वो किसी तरह एक रूम के चली जाती है और उसके डोर को लॉक कर देता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आकर उस रूम के विंडो तोड़ देता है। ये देखकर लिन से वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते घर के स्विमिंग पूल पर गिर जाती है। डॉक्टर भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन लिन से पूल के नीचे चला जाता है। इसी बीच वहाँ का सभी लाइट बंद हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर लिन से वहाँ से भागने की कोशिश करती है और लिन से भागती हुई जेनी के पास जाती है, लेकिन जेनी बेहोशी के में हालत में थी, इसीलिए लिन से उसे खसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। तभी डॉक्टर फिर से उसे शूट करके बेहोश कर देता है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में लेकर आता है। फिर वो उनके ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट की लिगामेंट को निकलता है और उनके दांतों को। फिर वो मार्कर से उन सभी के बॉडीज में निशान बनाता है। फिर वो उनके हिप और उनके चेहरे के खाल को निकलता है और अंदर से मास्क को भी निकल देता है, और ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चलता है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने उसी का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीफेड जमीन पर पड़ा हुआ है। उन तीनों का जख्म अभी तक ठीक तरह से भरा नहीं होता है और फिर भी वो उनको ज़बरदस्ती खड़ा होने के लिए कोशिश करने को कहती है। वो इस तरह जुड़े होते हैं। सबसे पहले वो जापानीज आदमी होता है, बीच में लिन से और सबसे आखिर में जेनी। वो लोग काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर उनको खड़ा करके उनके पिक्चर बना रहा होता है। फिर वो उन तीनों को मिरर में दिखाता है और वो तीनों अपनी ये हालत देखकर रो रहे होते हैं। वो उन्हें पिंजरे में रखता है और जानवरों जैसा सुलूक करता है, और काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा। और वो जापानीज आदमी को इस तरह खाना खिलाता है जैसे कि कुत्तों को देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है और उनको लेकर बाहर खड़ा होता है। जापानीज आदमी को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होता है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट मटेरियल लिनसे के मुंह पे चला जाता है, और जब मजबूरन लिनसे को वो निकलना पड़ता है। फिर एक दिन प्रोफेसर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जापानीज आदमी तो सही है, लेकिन लिनसे को कॉन्स्टिप्यूशन हो गया है, क्योंकि लिनसे उस आदमी का वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर रही थी। और साथ में जेनी, जिस पर कोई रिसोर्सेज पावर नहीं पहुँच रही थी क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और वो कमज़ोर होती जा रही थी, और उसकी जख्म भी अभी तक भरा नहीं था। ऐसा लग रहा था वो मर जाएगी। प्रोफेसर जेनी की जगह चेंज करने की सोच ही रहा होता है कि अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होते हैं। पुलिस जेनी और लिनसे को ढूंढ रहे होते हैं, जो काफ़ी दिनों तक मिसिंग थे, और उनकी कार डॉक्टर के घर के काफ़ी नज़दीक ही में पड़ा था। वो उनको बताता है वो एक डॉक्टर है। वो अपने फील्ड में इतना बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने के टाइम ही नहीं मिलता, और वो उन लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं जानता। डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से पीने के लिए पूछता है, जिस पर वो लोग कहता है हमें कॉफ़ी पीना है। डॉक्टर कहता है नहीं, तुम लोगों को सिर्फ पानी मिलेगा, जिस पर पुलिस ऑफिसर उस पर शक की नज़र से देखने लगते हैं। फिर डॉक्टर पानी में ड्रग मिलाकर ला रहा होता है। तब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों का आवाज़ सुना है, और तुम्हारी कार भी उस ट्रक के पास से मिला है जिसका ड्राइवर भी काफ़ी दिनों से गायब है। ये सुनकर जोरों से चिल्लाने लगता है और उन्हें पानी पीने को कहता है, जिस पर वो लोग ग्लास को फेंक देते हैं। अब वो फिर टॉवल का बहाना बनाता है और इंजेक्शन में ड्रग भरने लगता है, जिससे कि वो उन्हें बेहोश कर सके। लेकिन इस पर वो उन पुलिस वाले के सामने एक्सपोज हो जाता है, और अपने सफाई में वो कहता है कि आप लोग किसी को भी बगैर किसी वजह के परेशान नहीं कर सकते, और बगैर किसी वारंट के तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जिसे सुनकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लैब में आता है और उसे उसका ह्यूमन सेंटीमेंट नहीं दिखता है। वो तीनों सूख जाते हैं और एक सर्जिकल नाइफ को उसके पैर में मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो जापानीज आदमी डॉक्टर के गले पे काट लेता है और उसका मांस उसके मुँह में आ जाता है। फिर वो तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर थे, इसके वजह से वो लोग ऊपर नहीं जा पा रहे थे।
उनके स्टिचिंग वाले एरिया पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। आखिर में वो लोग उस सीढ़ियों पर चढ़ ही जाते हैं कि डॉक्टर उनके पास पहुंच जाता है। फिर वो जापानीज आदमी एक शीशे को तोड़ देता है और टूटे हुए कांच से अपने गले को काट देता है और मौके पर ही उसका मौत हो जाता है। इतने में वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर वो लोग उसके लैब में जाते हैं, वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं होता और तभी उनमें से एक ऑफिसर को मेडिसिन का असर होने लगता है और दूसरे ऑफिसर को उन लोगों को ढूंढने पर मिल जाता है लेकिन उनके हालत काफ़ी बुरा होता है। फिर वो ऑफिसर उस डॉक्टर को पकड़ने जाता है जो कि दूसरे ऑफिसर को मार के उसकी बंदूक लेकर बैठा था और उस बंदूक से उस ऑफिसर के पेट पर गोली मार देता है और बदले में वो ऑफिसर भी डॉक्टर के सर पर हेडशॉट मार देता है और दोनों मौके पर ही मर जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।